किसी भी विद्यार्थी का भविष्य और रोजगार उसके अतीत के उलटफेर पर निर्भर करता है। नया सीखने की क्षमता का विकास विद्यालयों में ही पैदा होती है और सीखने की ललक हमेशा उसके मन में विद्यमान रहती है। डिजिटल मार्गदर्शन उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर माध्यम हो सकता है जो अपने ज्ञान क्षेत्र का तेजी से विस्तार करना चाहते हैं। विद्यार्थी जिस तरह से लिखित सामग्री से ज्ञान अर्जन करते थे, कहीं उससे बेहतर सामग्री अब उन्हें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है कि यहाँ विद्यार्थी दो दिन का काम सिर्फ दो घंटे में कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल गाइडेंस कार्यक्रम के रूप में ये अभिनव और क्रांतिकारी कार्य एंसेंबल कर रहा है, जो सीखने की प्रक्रिया को एक मनोरंजक फिल्म देखने लायक बना देता है। लेकिन उसका उद्देश्य अधिक से अधिक ज्ञान देना है। डिजिटल गाइडेंस कार्यक्रम विश्व में इस तरह के कार्यक्रमों में से एक है। इनमें संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन, भारत सरकार के प्रकाशन, NBT, NCERT, SCERT, IGNOU, मंत्रालयों की रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखकों और प्रकाशकों जैसे हार्पर कॉलिंस, मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड, नासा, नोए, द हिंदू, योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर आदि के साथ और भी बहुत कुछ देखते हुए इसे तैयार किया गया है। पूरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह तैयार किया गया है। इन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बनाने में पाठ के साथ उससे जुड़ी हुई वास्तविक तस्वीरें, दृश्यों को, एनिमेशन को, जिन्हें मिलाकर इसे तैयार किया गया है। अध्याय को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों, परीक्षकों, अवकाश प्राप्त IAS अधिकारियों द्वारा मुख्य मार्गदर्शक के सिद्धार्थ के निर्देशन में तैयार किया गया है। DGP छात्रों को ये विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे कहीं भी हो, कभी भी, जहां भी उनकी मनोदशा अनुमति दे, अध्ययन कर सकते हैं। छात्रों को इसमें अत्यंत कम पैसा खर्च करना होगा। एंसेंबल का DGP भारत का प्रथम ऑनलाइन सामग्री कार्यक्रम है, जहां सभी समस्याओं का निदान प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण DGP पाठ्यक्रम की योजना बहुत लचीली है और समेकित है, जो कहीं भी किसी भी समय अध्ययन करने वाले छात्रों के अनुरूप है। इस तरह से सीखने की प्रक्रिया बहुत मनोरंजक और तनाव रहित होती है। इसके अलावा ये VR और IT आधारित कक्षाएं हैं, इसलिए किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में शिक्षा का यही मार्ग है।